कैब पास होगा तो सेटल नहीं, दोबारा नया नया इशू जन्म देगा, फायदा होगा जो आसामी हिंदू मुसलमान में, बंगाली आसामी में, ट्राइबल नॉन ट्राइबल में ये सब झगड़ा लड़ाई होगी, हमको ज्यादा होगा। इसलिए कि फॉरेनर इशू आसाम में पहले से जिंदा है, 40 साल से भाई आंदोलन हो रहा है, हजारों आदमी फॉरेनर इशू पे, इस इशू पे हंगामे पे मरे हैं। 85 में आसाम एकॉर्ड हुआ था, पार्लियामेंट में पास हुआ, आसाम के लिए पूरे इंडिया से अलग करके 71 को कट ऑफ डेट बनाया, पूरे इंडिया का अलग है। तो आसाम में जो फॉरेनर इशू बहुत पुराना है, ये सेटल हो जाना चाहिए, लेकिन कैब पास होगा तो सेटल नहीं, दोबारा नया नया इशू जन्म देगा, फायदा होगा जो आसामी हिंदू मुसलमान में, बंगाली आसामी में, ट्राइबल नॉन ट्राइबल में ये सब झगड़ा लड़ाई होगी और आसाम के लिए खतरनाक है, ये किसी हाल में पास ना करें। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट में ये कैब नहीं ला रहे, सरकार बोल रहे नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट इससे अलग है, आसाम को क्यों नहीं अलग कर रहे हो? आसाम में ये इशू जिंदा है, आसाम को अलग करना चाहिए, लेकिन आसाम को अलग ना करके दूसरे स्टेट को अलग कर रहे हैं, ये बिल्कुल हिटलरी तरीके है। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।